शाहरुख खान को इम्पोर्ट करना चाहिए वहाँ से? ओ जी, करने तो बेहतर है, हम तो वाले साथ में बना सकते हैं उन्हें। मोदी यहाँ आएगा तो जूते खाएगा, और सेकेंडली इमरान खान वहाँ जाएगा तो दो चीज़ें हैं, या तो महंगाई ज़्यादा हो जाएगी या वहाँ के सारे लॉज चेंज हो जाएंगे। इधर से भी बैशिंग होती है, उधर से भी बैशिंग होती है, ठीक है, लेकिन जो दोनों की आवाम है ना, दे बोथ रियली To some extent, love each other. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तो मैंने डीपली गया तो शायद कल मैं घर पे ना मिलूँ, मुझे उठा लिया जाए। कटरीना कैफ की शादी हो गई है और बड़े सदमे में है बेचारे वो, बस मैं खुद बड़ा सदमे में हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट इकरा अल्ताफ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कोहिनूर सिटी फैसलाबाद में। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरते वक्त के साथ इंडिया और पाकिस्तान में सियासी और मआशी कई तब्दीलियां आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में हमसे कई आगे बढ़ चुका है और काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम पाकिस्तानी इंडियन से बहुत आगे हैं। नाज़रीन, आज हम अलफतह आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो यहाँ हम आवाम से कुछ मज़ेदार दिलचस्प सवालात करेंगे और जानेंगे उनके जवाब। आपका नाम? आयशा सईद। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, क्या जॉब करती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, बताइएगा, अगर एक दिन के लिए मोदी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए और जो हमारे इमरान खान हैं उनको इंडिया का बना दिया जाए, तो क्या तब्दीलियाँ आएंगी? मोदी यहाँ आएगा तो जूते खाएगा, और सेकेंडली इमरान खान वहाँ जाएगा तो दो चीज़ें हैं, या तो महंगाई ज़्यादा हो जाएगी या वहाँ के सारे लॉज चेंज हो जाएंगे। अच्छा, और एक और बात बताइएगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो आप वहाँ की किस शख्सियत को पाकिस्तान में बुलाना चाहेंगी? विराट कोहली जो क्रिकेटर है उसको बुलाना चाहूँगी, बिकॉज वो बहुत अच्छा प्लेयर है और यहाँ पर वो आएगा तो हमारी टीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानूर सगीर है। क्या करती हैं आप? मैं भी एस साइकोलॉजी कर रही हूँ लिम्स यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो हमारी जो इंडियन फिल्में हैं वो हमारी पाकिस्तान फिल्मों से ज़्यादा अच्छी हैं, अगर हैं तो क्यों हैं? बिकॉज उनका कंटेंट अच्छा होता है और उनकी जो एक्टिंग वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप पर्सनली इंडियन फिल्मों को ज़्यादा पसंद करती हैं? जी जी बिल्कुल, उनके फेवर में है। जी जी, उनके सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो एक दिन के लिए अगर आप किसी इंडियन पर्सनैलिटी को पाकिस्तान बुलाना चाहें तो वो कौन सी होगी? शाहरुख खान। क्यों बुलाना चाहेंगे? क्योंकि उसके सॉन्ग, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो हमेशा उसको लोग कॉपी करना चाहते हैं इस वजह से। मुझे बताइएगा, ऐसी कौन सी चीज़ें जो पाकिस्तानियों के पास है इंडियंस के पास नहीं है? ये मेरे हिसाब से शाहरुख खान जी हैं, वो हमारे पास नहीं है, इंडियन के पास हैं। मैंने कहा पाकिस्तानियों के पास है, इंडियंस के पास नहीं है। मैं? आप? जी। और इंडियंस के पास ऐसी कौन सी चीज़ें जो पाकिस्तानियों के पास नहीं है? जो शाहरुख खान, शाहरुख खान को इम्पोर्ट करना चाहिए वहाँ से? ओ जी, करने तो बेहतर है, हम तो वाले साथ में बना सकते हैं उन्हें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, इंडियन फिल्में पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा अच्छी हैं, अगर हाँ क्यों हैं अच्छी वो? जी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं वो, उनमें एक्शन होता है, उनके सुपरस्टार बड़े अच्छे हैं, वो जिम शिम करते रहते हैं डेली, हम उनकी वो देखते हैं वीडियो शीडियो यूट्यूब पर, और वो बड़े अच्छे अदाकार हैं वो जी, अजय देवगन हो गए, सलमान खान हो गए, वो बेचारे उनके तो भी वो सुना है कट सा गया है उनका, वो कटरीना कैफ की शादी हो गई है और बड़े सदमे में हैं बेचारे वो, बस मैं खुद बड़ा सदमे में हूँ, क्या कर सकते हैं। आपने कटरीना कैफ से शादी करनी थी? ये वो हाँ करते तो कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज तो बहुत किए थे, अभी तक सीन नहीं किया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैनब कासम। क्या करने आई हैं आप? मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ। वैसे क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सीएस की। तो मुझे बताइएगा, जो हमारी इंडियन फिल्में हैं तो वो अच्छी हैं, उनका कॉन्टेंट अच्छा, क्यों अच्छा है? इस वजह से है क्योंकि बॉलीवुड तब का डेवलप हुआ है जब का हॉलीवुड डेवलप नहीं हुआ था, वो उनका काम ही यही है, नाचना गाना बजाना, उनके कल्चर में ये चीज़ है, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंडियंस के पास है लेकिन पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसी चीज़ डॉक्टर जाकिर नायक हैं, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ और उनको मैं कभी देखना चाहता हूँ, लाइव देखना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अगर वो कभी पाकिस्तान आए तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा, लेकिन वो आ नहीं सकते। और अच्छा, तो बताइएगा कि इंडियन फिल्में पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा अच्छी हैं, अगर हैं तो क्यों हैं? इसकी एक मेन वजह उनकी हीरोइंस हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और बाकी उनका जो है टैलेंट भी बहुत अच्छा है, वो फिल्में भी अच्छी बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा आ जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान की हीरोइंस प्यारी नहीं है?
हैं लेकिन इंडिया की भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ A-levels। अच्छा नुमान, मुझे बताइएगा कि जो हमारी पाकिस्तानी सियासत है और इंडिया की, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? यार बेसिकली जो हमारी सियासत है ना, सियासत काइंड ऑफ दोनों तरफ सेम है, इधर से भी बैशिंग होती है उधर से भी बैशिंग होती है, ठीक है। लेकिन जो दोनों की आवाम है ना, दे बोथ रियली टू सम एक्सटेंट लव ईच अदर, ठीक है। मतलब एक्सट्रीमिज्म होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है, ठीक है, दोनों साइडों पे होता है। लेकिन अगर देखा जाए ना, मेजोरिटी है दोनों नेशंस में आपस में प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है। इंडिया इज़ एन डिफरेंस, पाकिस्तान इज़ एन डिफरेंट, सांझे पंजाब हैं, सांझा मुल्क है और लोग भी एक जैसे हैं, कोई इनमें इतना लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। और या दैट्स इट, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, एक्सट्रीमिज्म रिलीजियस में हो पॉलिटिक्स में हो हर जगह होता है। सो फ़र्क यही है कि उनका जो मीडिया है थोड़ा हमसे ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का है, वो बात होती नहीं है जिसको इतना एग्जेजरेट करते हैं वो वाला मीडिया। हमारा थोड़ा, हम भी एग्जेजरेट करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितने, जिस तरह उधर फॉर एग्जाम्पल कोई कबूतर चले जाए ना, उन्होंने कहना है जी पाकिस्तान से आया एक घुसपैठिया, इतना बड़ा दहशतगर्द आया पाकिस्तान से, वो बंदा हैरान हो जाता है, कोई जर्नैल होगा कमांडो होगा, वो जी घुसपैठिया एक कबूतर, मतलब इतनी बात को फैलाया, एंड पे निकला एक कबूतर। तो वो लोग बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं। एज ए कंसर्न विद नेशन, जो कॉमन पीपल है यार, उधर भी गुर्बत है इधर भी गुर्बत है, लोगों को इस वक्त खुराक चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत चाहिए, बजाय के इधर से तोपें छोड़ी जाएं उधर से तोपें आए, बस दैट्स इट। मतलब मुझे बताइएगा, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिलता तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? छत्तीसगढ़ जाना पसंद करूँगा। वहाँ ऐसी क्या खुशियत है कि वहाँ जाना पसंद करेंगे? ब्यूटीफुल सिटी एंड गुड पीपल, एंजॉय करेंगे। अच्छा, और अगर एक दिन के लिए मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हमारे इमरान खान हैं हमारे वजीर आजम, उनको इंडिया भेज दिया जाए, तो क्या चेंजेस आएंगी? चेंजिंग इमरान खान चेंजिंग ला सकता है, मोदी मेरा ख्याल में कोई चेंजिंग नहीं ला सकता पाकिस्तान में। अच्छा, और अगर किसी इंडियन पर्सनैलिटी को आपको पाकिस्तान बुलाने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, आप किसको बुलाना चाहेंगे? आमिर खान। क्यों? माई फेवरेट पर्सनैलिटी आमिर खान है, ग्रेट लीडर एंड हीरो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़े पैमाने पर ट्रेड शुरू हो जाती है, तो हमें किस चीज़ को इंडिया से इम्पोर्ट करना चाहिए? हमें बेसिकली करना चाहिए पत्ती को, क्योंकि इस टाइम सर्दी है और मेरी फेवरेट इस टाइम चाय है, तो एटलीस्ट चाय तो सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, और पाकिस्तान से क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए? हमारे पास टमाटर हैं जो कि अभी क्या कहते हैं, जो हमारे मसाइल पड़े थे इंडिया के साथ कि उन्होंने शहीद कर दिए थे हमारे टमाटर, तो वही एक्सपोर्ट करा देने चाहिए। अच्छा, और बताइएगा पाकिस्तान और इंडिया की सियासत में क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तो मैंने डीपली गया तो शायद कल मैं घर पे ना मिलूँ, मुझे उठा लिया जाए, तो आई थिंक इस पर मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। बताइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया जाने का मौका मिलता है तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? वैसे तो इंडिया जाने का ऐसा कोई खास शौक नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो नॉर्दर्न एरियाज है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ बहुत प्यारा है, वहाँ पे भी लाइक गोवा हो गया, वो प्यारा टूर डेस्टिनेशन का। एज सच मेरी कोई पर्सनल प्रेफरेंस और विश नहीं है कि मैं इंडिया विजिट करूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा अगर आपको कभी किसी इंडियन पर्सनैलिटी को पाकिस्तान बुलाने का मौका मिले तो आप किसको बुलाना पसंद करेंगे? इंडियन पर्सनैलिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो बहुत से ऐसे करेक्टर्स हैं जिन्होंने एक पॉजिटिव रोल दिया है, ठीक है। हम मूवीज़ देख लें, एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं, उनके बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पूरा के पूरा इंडिया ही यहाँ पे आ जाए ताकि हम मिल बांट के प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें। इंडिया यहाँ आ जाएगा तो पाकिस्तान ही कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, फिर हमारा इंडिया होगा तो उनका क्या होगा? डेफिनेटली हम मिल बांट के रहेंगे। तो व्यूवर्स, ये थे हमारी आवाम के दिलचस्प और मज़ेदार जवाब। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।